यो गाइस एंड वेलकम बैक। तो विंड ब्रेकर एक काफी ज्यादा कमाल का एनिमे और एक नया एनिमे है। अगर तुमने इसका आज का एपिसोड देखा है तो तुम सबको जरूर मजा आया होगा देख के। फाइट सीन काफी अच्छे थे और साथ ही साथ ये हमें काफी ज्यादा कमाल के मैसेज भी देता है, यानी बोला जाए काफी कमाल के बाद हमें सिखाता भी है। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो यार इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में हमें बोला गया कि तुम एडल्ट कब बनते हो, पहली बात जब तुम इमेजिनेशन करना स्टार्ट करते हो और दूसरी बात जब तुम एक्सपीरियंस लेते हो। अब इमेजिनेशन से मतलब मेरा क्या है, वो बेसिकली एनिमे में क्या बताना चाहता है। तो देखो जब इमेजिनेशन करते हैं, जब हम दूसरों को मतलब सोचो कोई एक कमजोर इंसान है उसकी जगह तुम अपने आप को रखो और तुम फील करो, इमेजिन करो कि तुम्हें कैसा फील होता है, या फिर बोला जाए तो कमजोर होने का जो इमेजिन करोगे तो तुम्हें उससे फील आएगा कि कमजोर होना किसको कहते हैं, या फिर गरीबी। अगर तुम गरीबी को इमेजिन करोगे और भाई तुम्हें गरीब की जो फील आएगी तुम्हें पता लगेगा कि गरीब लोग कैसे सफर करते हैं। तो इस तरीके से तुम एडल्ट बन सकते हो, फिर बोला जाए तो तुम मैच्योर बन सकते हो। और दूसरा है एक्सपीरियंस। अब देखो जिंदगी में तुम जितना एक्सपीरियंस लोगे, अपने फीलिंग से जितना एक्सपीरियंस लोगे, जितना अपने काम से एक्सपीरियंस लोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज आएगा। और जितना नॉलेज आएगा तो तुम उतने ही समझदार और एडल्ट बनोगे, या फिर बोला जाए तो मैच्योर बनोगे। और बेसिकली विंड ब्रेकर का एपिसोड 6 तुम्हें ये बताना चाह रहा है जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ यार ये वीडियो कैसे लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।